नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप राय, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेडर एंड मोटिवेशन स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ स्कीम एंड मार्जिन फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मेरे पास कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप सर मुझे समझाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों के लिए पजलिंग होता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट का मार्जिन, जीएसटी, स्कीम, कैश डिस्काउंट, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें, सही ढंग क्या है कैलकुलेट करने का, ये आप जानना चाहते हो। आज का इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन में आपको इसको समझाऊंगा। Before I get into the topic, I just want to make a very quick announcement that 12th June 2022, I will be live online with a workshop on GTM planning, very important for any FMCG sales professional, entrepreneur or MBA student who just want to understand more about FMCG sales. GTM planning is the starting point, इसके बगैर आप मार्केट में उतर ही नहीं सकते अपना प्रोडक्ट को लेके। 1 hour of very crisp workshop where I am going to talk about the tools, techniques, skills, planning sheet, worksheet, everything I will discuss and give it to you. Be ready to join the workshop on 12th June, but इसका early bird offer खत्म हो रहा है 9 June को, तो आज ही इस सेशन को बुक कीजिए and I will see you in the training program. Coming back to today's topic on scheme calculation. The question is for this particular product जिसका MRP है 100 rupees. यहाँ पे 18% GST इंक्लूडेड है, रिटेलर मार्जिन इज 15%, स्कीम हमने उनको दिया है 12+1 का, ट्रेड स्कीम चल रहा है, कैश डिस्काउंट इज 2%। तो रिटेलर का लैंडिंग कितना होता है ये सब कुछ के बाद दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए MRP है 100 रुपीज़ जिसमें 18% इंक्लूडेड है, GST, अभी हम लोगों ने मार्जिन दिया है ऑन मार्कडाउन बेसिस, मार्कडाउन मार्जिन इज 15%। नाउ व्हाट इज़ मार्कअप, व्हाट इज़ मार्कडाउन, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, स्कीम के ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बट हियर दिस इज जस्ट द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे मैं उसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। तो हमने मार्कडाउन में यहाँ पे लिया है, मार्कडाउन में 100%, 15% ऑन 100 इज 15, तो 100 - 15 हमने किया है विच इज़ ₹85। दैट इज़ द रिटेलर लैंडिंग आफ्टर मार्जिन, ₹15 उसको मार्जिन मिला। Now we are also giving the retailer a scheme which is 12+1. 12+1 का स्कीम का क्या मतलब हुआ, 1 divided by 13, 12+1 कितना होता है 13, 1 divided by 13, that is around 7.7, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है 8%। तो 8% का स्कीम दुकानदार को हमको देना है। अब देखिए अगर 8% कैलकुलेट करेंगे 85 के ऊपर तो we would be making a little costly mistake. Why? क्योंकि इस 85 के अंदर क्या इंक्लूडेड है, 85 के अंदर जीएसटी ऑफ 18% इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमको 8% उसके ऊपर भी देना पड़ेगा, जीएसटी के ऊपर भी देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीएसटी को हटा लेंगे। तो व्हाट वी हैव डन ओवर इज वी हैव रिमूव द जीएसटी बाय डिवाइडिंग इट बाय 1.18। ये हमने डिवाइड क्यों किया बाय 1.18, ये आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, नीचे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सो 85 divided by 1.18 विच इज़ 72.03, दिस इज़ विदाउट जीएसटी हो रहा है। 85 उसका विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी 72.03। नाउ हमें 8% उसको स्कीम देना है, सो 8% ऑफ 72.03 कैलकुलेट करें तो कितना होता है 5.76। सो दिस इज़ द स्कीम अमाउंट, 5.76 हमें देना है। एब्सोल्यूट में हमने निकाला कि इतना ही एक्चुअली उसका स्कीम बनता है। तो ये 5.76 हम किससे डिडक्ट करेंगे, सो वी विल डिडक्ट 5.76 फ्रॉम 85 एंड इट गिव्स अस 79.24। अब देखिए हमको रिटेलर लैंडिंग आफ्टर स्कीम पता चल गया। यहाँ पे एसेंशियली व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिमूव द जीएसटी, वी हैव कैलकुलेटेड द स्कीम अमाउंट एंड वी हैव देन कैलकुलेट द रिटेलर मार्जिन आफ्टर स्कीम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर उनको कैश डिस्काउंट भी दे रहा है विच इज़ 2% अपने तरफ से वो दे रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, अगेन 2% ऑफ 79.24 करके हमने कर दिया, बट इस 79.24 के अंदर भी 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीएसटी हटाएंगे, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट का जीएसटी कम है, 5% है, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, यू डोंट गेट इनटू सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर आपका प्रोडक्ट का जीएसटी 18% है तो देन यू हैव टू रियली वरी 12%, 15%, 18%। तो 15-18% वाले को तो, उससे ज़्यादा वाले को तो ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इसमें 18% का जीएसटी होता है, सो यू हैव टू बी वरीड अबाउट दैट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगेन 79.24 डिवाइड बाय 1.18 करेंगे, 67.15 आ रहा है। सो 2% ऑफ 67.15 हम लोग निकालेंगे एंड वी गेट 1.34। तो ये कैश डिस्काउंट का अमाउंट हमने निकाल दिया, इसको हम लोग किससे डिडक्ट करेंगे, वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम 79.24 विच वॉज द रिटेलर लैंडिंग आफ्टर स्कीम, इससे डिडक्ट करेंगे तो हमको 77.89। दिस इज द बिल अमाउंट, बिल में फाइनली जो रिटेलर को मिलेगा ये उसको लिख के आएगा। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, अगर ऐसे नहीं करते, अगर नॉर्मली करते जिस तरीके से ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, तो क्या डिफरेंस होता उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो पहला स्टेप तो ऐसे ये 15% ऑफ 100, ये तो 85, ये तो सबके लिए सेम रहेगा। अब 8% स्कीम जो है, अगर हमने डायरेक्टली 85 के ऊपर कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 78.20। ये 8% ऑफ 85 डिडक्ट करने के बाद आया, ठीक है, 78.20। तो देखिए, पहले आ रहा था 79.24, अभी 78.20, मतलब रिटेलर को और सस्ते में मिल रहा है। तो ₹1 और सस्ते में उसको मिल रहा है ये करने के बाद। दैट मीन्स वी आर लूजिंग आउट ऑन अराउंड ₹1। अब कैश डिस्काउंट को भी देखते हैं, अगर हमने डायरेक्टली 2% करते तो क्या होता, 76.64 आता रिटेलर लैंडिंग आफ्टर सीडी। तो यहाँ पे भी देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो टोटल अगर हम देखें 77.89 माइनस 76.64 इट कम्स टू 1.25। तो ₹1.25 का हमें ये सिंपल जो जीएसटी हटा के कैलकुलेट करने का हमें फ़ायदा मिल गया। अगर आप 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर का 10 लाख का बिजनेस करता है तो मोर देन 12,000 रुपीज़ इज़ व्हाट वी आर सेविंग। अब ये 12,000 काफ़ी अमाउंट होता है, इससे एक स्टाफ का सैलरी भी निकल सकता है, राइट। So this is what the calculation is all about. We'll discuss a little bit about this in the GTM planning also. वहाँ पे भी ये आएगा and I'm eager to see you all in the GTM planning program, training program, and definitely we will discuss a lot and get clarity on the most essential part, that is GTM planning strategy. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.